प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कर जनमानस में सुरक्षा की भावना बलवती करना एवं अपराधियों में कानून का भय पैदा करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश पुलिस बल के बजट में दोगुने से भी अधिक की वृद्धि की गई। वर्ष 2017-18 में कुल बजट 16,115 करोड़ 18 लाख रुपए था, जो वर्ष 2022-23 में 37,109 करोड़ 99 लाख रुपए हो गया। पुलिस बल को अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की गई। वित्तीय वर्ष 2017-18 में इस कार्य के लिए 2,81,82,000 रुपये आवंटित किए गए। वर्ष 22-23 में 122 करोड़ 85 लाख रुपये पुलिस आधुनिकीकरण हेतु आवंटित किए गए। पुलिस बल की क्रियाशीलता एवं प्रभाव में वृद्धि हेतु विभिन्न जनपदों में 39 पुलिस थानों, 1 महिला थाना, 6 नार्कोटिक्स थाना, 36 पुलिस चौकियों, 1 जल पुलिस चौकी की स्वीकृति भी प्रदान की गई। भ्रष्टाचार निवारण संगठन के 18 मंडल स्तर पर स्थापित इकाइयों को थानों के रूप में सूचित करने 1 नए सर्किल असमौली की स्थापना की स्वीकृति भी प्रदान की गई। शामली में पीएसी बहानी, लखनऊ में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का मुख्यालय व 1 बहानी विशेष सुरक्षा बल, गोरखपुर में 2वीं बहानी विशेष सुरक्षा बल, उन्नाव में राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय, अयोध्या में स्पेशल टास्क फोर्स की स्थापना की स्वीकृति भी दी गई। बेहतर रणनीति एवं समन्वय सुरक्षात्मक प्रबंधन द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस ने कानून व्यवस्था की विभिन्न चुनौतियों को सफलतापूर्वक सामना कर शांति व्यवस्था में अपराध की स्थिति को सर्वथा नियंत्रित रखा है। प्रदेश में व्यापक सुदृढ़ एवं त्रुटिरहित सुरक्षा प्रबंध के फलस्वरूप समस्त महत्वपूर्ण पर्व और त्यौहार, अति विशिष्ट महानुभावों की यात्राएं, राजनीतिक रैलियां आदि सभी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए हैं। इन आयोजनों को शांतिपूर्वक एवं सकुशल संपन्न कराकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। इसके लिए मैं समस्त पुलिस बल को हृदय से बधाई देता हूं।